मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें झारखंड के साहिबगंज की है। दो नाबालिग बच्चों के हाथों को रस्सी से बांधकर बंधक बनाया गया, बच्चे के सिर मुंडवा दिए गए और जूते चप्पलों की माला पहनाई गई। फिर दोनों नाबालिगों को सरेआम बारिश के गंदे पानी में खड़ा कर दिया गया। बच्चे पर एक महिला ने चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने मानवता की हदें पार कर दी। घटना से दुखी पीड़ित बच्चों के पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। नियम कानून के आधार से सर आप लोग से विनती अगला इतनी है जो कि इसको हमारा न्याय चाहिए। बस कैसे होगा कि आप लोग ये माता छील के बेल मुला के और दंड भी लिया, मारपीट भी किया। इस अमानवीय घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को बंधक से मुक्त कराया और अब पीड़ित के परिवार वालों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिले के बाल संरक्षण पदाधिकारी ने इस अमानवीय प्रताड़ना पर चिंता जताई है। इस प्रकार बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। बच्चे जो भी गलती किए थे तो उसकी सजा के लिए थाना बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचना आनी थी। ABP News आपको रखे आगे।